देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। योगेश जी, आज आप यहाँ आए हैं, कुछ इशारे में यहाँ पे घोटाले की बात कही जा रही है, क्या है जरा उसके बारे में? ये कांदिवली आरसा रोड पे साईं आजाद इशारे है, और ये साईं आजाद इशारे जिग्नेश दत्तानी और इसका सेल कंपोनेंट शायद नितिन पटेल, मैं तो दोनों को में से एक को आज जिग्नेश दत्तानी साइट पर आए तब मिले हैं। यहाँ पर झोपड़पट्टी पुनर्वसन के बिल्डिंग का काम शुरू है और झोपड़पट्टी का सेल कंपोनेंट का काम शुरू है। यहाँ पर हमने आज ये पाया है, कुछ समाचार हमको मिले कि तोड़े हुए झोपड़े और जो बड़े गोडाउन थे, शायद ये गोडाउन मुझे लगता है वो MM मिठाई वाले का पीछे का पोर्शन का गोडाउन है। एक जगह पर कम से कम 100 से अधिक तोड़े हुए झोपड़े की जगह नए झोपड़े बनाकर उसका नंबर डालकर महानगर पालिका ने वहाँ सर्वे भी कर लिया, महानगर पालिका ने प्रारूप एनेक्चर भी बना दिया। लगभग ये 150 लोगों का प्रारूप एसआरए का प्रारूप एनेक्चर ये महानगर पालिका ने बना दिया। इस पर महानगर पालिका के कॉलोनी ऑफिसर जिनको कार्यभार सौंपा है वो बाउचीकर, असिस्टेंट कमिश्नर इंचार्ज ललित तड़ेकर और कार्यकारी अभियंता आर साउथ राठौड़, DM राठौड़, इनकी सही है। ये प्रारूप एनेक्चर 15 अप्रैल को बना, जिसकी एप्लीकेशन सोसाइटी ने 18 मार्च को की है, यानी एक महीने के अंदर अंदर आप देखिएगा शिव शक्ति SRA साईनगर 3-3, 4-4 साल तक पात्रता नहीं होती है। ऐसी महानगर पालिका की कितनी SRA, जो रास्ता हमारे सामने से मथुरा दास रोड से आता है, वहाँ जो ब्रिज बना है वहाँ 7 लोगों की पात्रता करने को हमको 4-4 साल लगे। 7 लोगों की पात्रता जो सही जेन्यून है, ये सारे बोगस, आप लोगों ने वीडियो शूटिंग उतारा है, एक भी आदमी रहता नहीं है, कहीं पर भी पानी का कनेक्शन नहीं है, आजू बाजू में नल नहीं है, ये बोलते हम खाली करके गए हैं। आप देख लीजिए जो खाली करके गए हैं उनके रूम में कोई कपड़ा टेंगाने की खिल्ली भी नहीं लगी है। सबके दरवाजे पर लगे हुए जो दरवाज़ा लॉक करने का अगलिया होता है वो एक ही कंपनी का, लाइट का सभी का बॉक्स एक ही कंपनी का, पंखा सभी का एक ही कंपनी का, मोरिया आप देखेंगे तो सारी मोरिया अलग अलग कलर की, अलग अलग प्लास्टर से, बिना प्लास्टर की ब्लॉक की गनाई बनाई गई मोरिया। मैं जब सुबह में हमारे नगर सेवक बाला तावड़े कमलेश यादव जी ये कंप्लेंट देखने के लिए आए, 1.5 घंटा हम बाहर खड़े रहे, 1.5 घंटा धूप में, 2-4 बच्चा आए, मैं मोबिन हूँ, मैं शकील हूँ, आपको अंदर जाने नहीं मिलेगा। हम पूछा आप जानते हैं? बोले हाँ जानते हैं, लेकिन अंदर जाने नहीं मिलेगा। 1.5 घंटे के बाद पुलिस बुलानी पड़ी, पुलिस भी 1.5 घंटे के बाद आई और हम अंदर गए। हमने सारा वीडियो किया है, आपने भी सारा वीडियो देखा है। हमने महानगर पालिका के कमिश्नर भूषण गागरानी जी से बात की है, हमारे उम्मीदवार पीयूष गोयल जी ने भी भूषण गागरानी जी से बात की है। ये बोगस धंधा मुंबई महानगर पालिका को और मुंबई शहर को परवरने वाला नहीं है। मुंबई में कभी भी झोपड़पट्टी खत्म नहीं होगी अगर इसी प्रकार से काम चला तो। हमने पुलिस कमिश्नर से बात की, हमने CO SRA से बात की और आज हम इसके बारे में CBI की तपास मांगते हैं। CBI इसमें जो जो अधिकारी शामिल है ताबड़तोब उस अधिकारियों को उस पद से सस्पेंड करना चाहिए और इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए। मिस्टर गांधी करके महानगर पालिका के कमिश्नर ने भेजा हुआ विजिलेंस ऑफिसर आया, वो एक गेट के अंदर गया और बाहर निकल के चला गया। मैं महानगर पालिका के कमिश्नर को भी विनंती करता हूँ, आज हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं आगे करने काम करने के लिए, लेकिन उनका विजिलेंस वाला अगर कुछ तपास किए बगैर यहाँ से चला जाएगा तो इस पर बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी। ये महानगर पालिका के अधिकारियों का पाप है। मुंबई शहर में SRA की योजनाएं कभी ख़त्म नहीं होगी। इस प्रकार के बोगस अगर SRA के प्रारूप बनेंगे, ये प्रारूप आप पढ़कर मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लीजिए प्रारूप में ये आपको मिलेगा। देवेंद्र मामतोरा, ए बिलाल अहमद मोहम्मद इस्माइल, आप देख लीजिए निसार अहमद खान, आप देख लीजिए इसमें लिखा है
मोहम्मद शोएब खान, ये उमेश मरकत सिंह, ये हलीपुर रशीद हनजा खान, ये शिव प्रकाश प्रजापति, ये मोतीलाल यादव, ये वसीम रफीक खान, ये इरफान अहमद अन्नावरू, ये दिनेश झवेरी, ये प्रिया कार्तिक मामतोरा, ये रिकुदेव पांडे, ये आफिका रमजा खान, ये आसपा हारून शेख, ये रुखसाना निशा, ये जुबेदा खातून, इर्शाद आशिक अली शेख, ये इस प्रकार के सारे बोगस। अभी आपने दुकानों पर भी झोपड़े का नंबर डाला हुआ है, तो क्या दुकानों को भी झोपड़ों में काउंट किया गया? देखिए, आपके सामने है इसमें दुकानों के ऊपर जो नंबर डाले हैं, ये सभी घर बंद बताए हैं, कुछ दो चार घरों को छोड़ करके। और ये एनेक्सर फाइनल करेंगे, इसका मॉडल्स ऑफ इंडिया ऐसा है, एनेक्सर फाइनल करेंगे, अगर पात्रता नहीं होगा तो वो पीएपी बना के सौंप देगा। और बिल्डर ये कम से कम जो 150-200 घर फोकट के बनाए हैं, 50-60 हज़ार फुट FSI, 50-60 हज़ार फुट FSI, ये लिंक रोड पर जहाँ से मेट्रो जाती है, जो जुने लिंक रोड से कनेक्टेड है, उधर कमर्शियल और रेजिडेंशियल बनाकर बेचेगा। ये कम से कम 400 से 500 करोड़ रुपए का घोटाला है, 400 से 500 करोड़ रुपए का घोटाला है।